हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, अगेन मैथ्स का लेकर आ गए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका पार्ट टू यानी कि ज्योमेट्री का जो हमारा पार्ट चल रहा है उसके आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग लाइंस, लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, रे क्या होते हैं वगैरह, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो हम कवर करने वाले। इसके पहले जो वीडियो बनाया था हमने, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 जिसको हम लोग प्रैक्टिस सेट भी बोलते हैं, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 यहाँ पे हम लोग ने टोटली कंप्लीट किया था। हर एक एग्जाम्पल्स जो है हमने सॉल्व किए थे, लेकिन हर एक एग्जाम्पल्स के अंदर जो सब एग्जाम्पल्स होते हैं, सब क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग ने सब नहीं कराए थे। जैसे कि जहां पे पांच या फिर छह अगर क्वेश्चंस थे, हम लोग सिर्फ दो या तीन ही कराए थे मे बी, बट वो मैंने इसलिए कराए थे बिकॉज दोस्तों अगर हम सब कराएंगे तो हमारा जो वीडियो है काफी लंबा होगा एंड आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा इतना लंबा वीडियो देखने में, और साथ ही आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सिर्फ आओगे वीडियो देखोगे एंड उसको एग्जिट करके चले जाओगे। आप लोग को समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना दोस्तों, तब तक आप लोग को नहीं आने वाला है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें नहीं कराता हूँ, एग्जाम्पल करा देता हूँ, कंसेप्ट समझा देता हूँ वो पर्टिकुलर चीज का, लेकिन अगर दो छह एग्जाम्पल है तो छह में से दो कराऊंगा, चार आपको करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप चार प्रैक्टिस कर लोगे घर पे ये वीडियो देखने के बाद तो डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे और आपका जो भी डाउट है और कंसेप्ट है वो गेन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक चीज आपसे ये कहना था कि सबसे पहली बात तो आपको थैंक यू बोलना है कि आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं हमें, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट खास तौर पे आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को, बिकॉज साइंस के वीडियो हमने बनाए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ये तीन चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी हम लोग ने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है आपने तो प्लीज जाके देखिए, हमारे वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट भी आपको अलग अलग चैप्टर्स के मिल जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हो। साथ ही में हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे 9th का मैथ्स का लेक्चर भी शुरू कर दिया है, खासकर आप लोग के डिमांड के वजह से, तो यहाँ पे शुरू तो कर दिया हम लोग ने, लेकिन धीरे धीरे इसका मैथ्स का पोर्शन थोड़ा बड़ा होता है तो लेक्चर जो है वो धीरे धीरे आएंगे। एक दिन में एक आ रहा है, अभी हो सकता है एक दिन में दो दो आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, आपको बस हमारे साथ बने रहना है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो शुरू करते हैं यहाँ पे, दैट इज चैप्टर जो है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जैसा कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री आपको तो पता ही होगा। इसमें हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम लोग वो है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो दोस्तों लाइन सेगमेंट क्या होता है, सबसे पहले यहां पे मैं लिख दूंगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई लाइन सेगमेंट। जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर यूनियन ऑफ पॉइंट्स, मतलब दो यूनियन ऑफ पॉइंट्स अगर मैं ले लेता हूं, एक सेट ले लेता हूं उनका, तो अगर मैं उनको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं यहां पे, तो सबसे पहले एक मैं पॉइंट ले लेता हूं यहां पे एंड यहां से एक लाइन कनेक्ट करता हूं एक और पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया ए एंड बी। तो कोई भी दो सेट ऑफ यूनियन ऑफ पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बीच का जो पर्टिकुलर एरिया होता है, द लाइन कनेक्टिंग बिटवीन द पॉइंट्स एंड द यूनियन ऑफ सेट ऑफ ए एंड बी इज नोन एज लाइन सेगमेंट। एक डेफिनेशन है यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, थोड़ा यहाँ पे मैं जाऊंगा कि आप लोग को भी ज्यादा बेटर समझ में आ जाए, तो आप लोग को भी यही करना है, अपने हाथ में आपको टेक्स्ट बुक रख लेना है। अगर फिजिकल टेक्स्ट बुक नहीं है कोई बात नहीं दोस्तों, आपके पास पीडीएफ होगा, जैसे मैंने बताया था डाउनलोड कैसे करते हैं पीडीएफ, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए लैपटॉप, नहीं तो मोबाइल खोल के बैठ जाइए दोस्तों, और वहां से आप हमारे देख सकते हो क्या कर रहे हैं हम लोग। तो लाइन सेगमेंट क्या बोला, डेफिनेशन एक बार पढ़ लेता हूं, द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड द सेगमेंट ए बी। तो सेगमेंट ए बी को क्या बोलेंगे हम लोग, दो जो भी हमारा पॉइंट्स दिए इनका सेट ऑफ यूनियन के बीच का जो भी हिस्सा है, बिटवीन का जो हिस्सा है, दैट इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर ए बी है, ऐसे बहुत सारे आप ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये सीधा ही होना चाहिए, हम लोग ऐसा भी अगर ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट से इट इज पी एंड इट इज क्यू, तो ये जो पी क्यू है वो भी क्या हो गया, एक तरीके का लाइन सेगमेंट हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा लाइन ए बी, इसको ऐसा नाम लिख सकते हैं हम लोग, वैसे ये जो पी क्यू है इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, लाइन पी क्यू, ऐसा हम लोग इसको नेमिंग जो है दोस्तों कर सकते हैं क्लियरली। ठीक है, और एक चीज, जैसे कि ये जो लाइन ए बी है, लाइन पी क्यू मैंने ड्रॉ किया है, तो इसका भी क्या होता है, पर्टिकुलर लेंथ होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसको, ये पी क्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, लाइन ए बी आप देख पा रहे हो, तो ये ए से लेके बी तक का जो भी डिस्टेंस रहेगा कुछ तो होगा दोस्तों, तो उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, बाय मीन्स ऑफ आवर मेजरिंग स्केल, आपके पास स्केल होता है तो उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं पर्टिकुलर लाइन कितना बड़ा है कितना छोटा है हम लोग निकाल सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे, जब हम लोग मेजर करेंगे तो लेट्स सपोज मैंने कि अपना एक मेजरिंग स्केल से इसको मेजर कर लिया, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग जब ड्रॉ करोगे एक कोई भी लाइन ड्रॉ करो उसको मेजर करने की कोशिश करो, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको मेजर किया एंड मेजर करने के बाद इसका जो वैल्यू निकला वो मिला लगभग 5 सेंटीमीटर, समझ लो कि
ये जो लाइन जो निकाला मैंने ड्रॉ किया वो कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। ओके, अब 5 सेंटीमीटर का होगा इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा कैसे, लिखना इंपॉर्टेंट है, तो मैं कैसे लिखूंगा, लेंथ ऑफ ए बी, एल मतलब जो लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्मॉल लेटर एल लिखा, एल और ब्रैकेट में आप लिख दो ए बी, क्योंकि ये लाइन ए है और बी है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में आपने निकाला होगा, तो इसको हम लोग मेजर करके ऐसा लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हमारे जो एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, जो कि है हमारा रे ऑफ ए बी, ठीक है, तो रे ऑफ ए बी क्या होता है, जैसे कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था आपने वैसे ही रे ऑफ ए बी भी लगभग सेम वैसे ही होता है, थोड़ा सा फर्क ये है, अगर मैं पहले डेफिनेशन बताऊं, पहले यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सेकेंड रे ए बी, ठीक है, रे ले लिया मैंने ए बी, तो कुछ भी आप नाम दे सकते हो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे ए बी रखा हुआ है क्योंकि सब सब सेम रहेगा तो आप लोगों को भी मजा आएगा पढ़ने में और कंफ्यूजन कम होगा दोस्तों, ठीक है, तो रे ऑफ ए बी, तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू क्या लिखा है, कि सपोज ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ए और एक बी है वो क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ड्रॉ करता हूं डायग्राम आपको समझेगा, एक यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे पॉइंट ले लिया बी, एक और पॉइंट ले लिया यहाँ पे पी, एंड यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि आप देखोगे ए और बी जो मेरा है क्या एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ठीक है, एंड द यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी एंड द पॉइंट्स पी सच दैट, ये कैसे फॉर्म होंगे, ये फॉर्म होंगे ए डैश बी डैश पी, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट से अगर शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट में, उसके आगे भी कुछ पॉइंट्स है एंड उसके आगे एक एरो मार्क देके रखा है, तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट आपको अगर दिखता है दोस्तों तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, और जो स्टार्टिंग के जो पहला पॉइंट रहेगा और जो सेकेंड पॉइंट रहेगा उसी को नाम देंगे हम लोग, जैसे कि ए है और बी है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द रे ए बी, ठीक है, इसको नाम ऐसे हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना, तो हियर पॉइंट ए इज कॉल्ड द एंड पॉइंट, मतलब यहाँ पे जो ए है इसके पास पॉइंट है ना, ये तो एरो हो गया लास्ट में, इसके पास पॉइंट है, तो ए पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जिसके पास पॉइंट रहता है वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एंड पॉइंट, और पूरे को नाम क्या बोलेंगे, रे ए बी, लिखेंगे कैसे, ए बी डैश पी, ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज हमारा सेकेंड जो हमारा टाइप था यहाँ पे पढ़ लिया। अब थर्ड टाइप देखते हैं जिसका नाम है लाइन ए बी, ठीक है, अब लाइन ए बी क्या होता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है लाइन ए बी का भी, मैं बता देता हूं फटाफट से, ठीक है, थर्ड वन हम लोग लिखेंगे यहां पे जिसका नाम है लाइन ए बी, ठीक है, अब लाइन ए बी क्या होता है, जैसे हम लोग ने लाइन सेगमेंट पढ़ा दोस्तों एग्जैक्टली सेम हमारा जो है लाइन ए बी रहेगा, क्या बोला एक बार डेफिनेशन सुन लो फिर मैं आपको बताता हूं, द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑन रे ए बी एंड अपोजिट रे ऑफ रे ए बी इज कॉल्ड लाइन ए बी एंड द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट ए बी इज द सबसेट ऑफ पॉइंट लाइन ए बी, मतलब सेम मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे हम लोग ने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया कि यहाँ पे मैंने ए लिखा था, ए पे बी लिखा था, टू पर्टिकुलर पॉइंट्स का हमने क्या लिया था यहाँ पे एक तरीके का यूनियन लिया था, तो यही पर्टिकुलर पॉइंट सिस्टम को लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं और सीधा सीधा आप बोल सकते हो लाइन ए बी, इसको मैं लाइन सेगमेंट भी बोल सकता हूँ या फिर लाइन ए बी बोल सकता हूँ, मतलब इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ कि जैसे आपका लाइन सेगमेंट होता है वैसे ही आप लाइन ए बी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड भी कर दूं दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे लाइन मैंने एक्सटेंड भी कर दिया तो भी ये लाइन ए बी ही रहेगा, मतलब लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट के एंड में क्या होता है, दो पर्टिकुलर पॉइंट्स आने ही चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो आप देखोगे लाइन अगर सेगमेंट है, मतलब फर्क बता रहा हूं मैं लाइन सेगमेंट में और लाइन में क्या होता है, दोनों सेम ही है, लेकिन एक छोटा सा फर्क ये है कि लाइन सेगमेंट में आपके दोनों एंड पे पॉइंट्स रहने ही रहने हैं, लेकिन लाइन में ऐसा कुछ नहीं है, लाइन में हो सकता है दो पॉइंट हो सकता है तीन पॉइंट हो, तो वो पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे चौथे टाइप की तरफ जिसका नाम है दोस्तों कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। तो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है, देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अगर आपको समझ गया तो आधा ज्योमेट्री आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज यही चीज के ऊपर ज्योमेट्री का बेस रखा है, जो बोलते हैं ना बुनियाद, वो ये आपका कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। तो नॉर्मली क्या होता है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट का मतलब, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको बताता हूँ कि सपोज कोई दो आपको लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, सपोज कोई दो लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ है एंड दोनों लाइन सेगमेंट जो है इक्वल इन लेंथ है, उनका जो मेजरमेंट है लंबाई जो है लेंथ जो है वो दोनों का सेम है, तो वो केस में दोनों ही लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे कि ये ए बी है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, ये सी डी है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, लेंथ ऑफ सी डी, तो इन केस इफ लेंथ ऑफ ए बी
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, ठीक है, जो आपका लेंथ ऑफ ए बी जो है वो अगर लेंथ ऑफ सी डी से सेम रहेगा, मतलब समझ लो इसका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी अगर 5 सेंटीमीटर है, दोनों का लेंथ जो सेम है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, देन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला अगर दोनों का लेंथ सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देन लेंथ ऑफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखते हैं, इक्वल का साइन बनाना है और ऊपर ऐसा सुला के एस बना देना है आपको, तो दिस इज द साइन फॉर कॉन्ग्रुएंट। एक और बताता हूं, यहाँ पे आपको इक्वल का साइन बनाना है एंड यहाँ पे एस बना देना है छोटा सा जो कि सोया हुआ है, तो इसको हम लोग ये साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट का साइन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कॉन्ग्रुएंट का साइन आपको पता चल गया, तो मैं कैसे लिखूंगा, लेंथ ऑफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ ऑफ सी डी। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी है एंड सी डी है दोनों एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिए लेंथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट का हुआ, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बढ़ते हैं हमारे पांचवे टॉपिक की तरफ, पांचवा जो पॉइंट है यहाँ पे जिसका नाम है दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। इसके पहले चौथा पॉइंट जो पढ़ा आपने कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट था, लेकिन उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं दोस्तों, तो वो हम लोग को अभी पढ़ना है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। इसमें टोटल तीन प्रॉपर्टी है जिसका नाम है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। ये तीन प्रॉपर्टी पढ़ना है, क्या है, बहुत सिंपल है दोस्तों, ये पढ़ लोगे तो एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे हम लोग बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं इसका, तो पहला प्रॉपर्टी का नाम क्या बोला मैंने, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, परछाई, एक दूसरे के सेम दिखना। तो यहां पे मैं एग्जांपल जो बता रहा हूं आपको, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये रहेगा, सपोज यहां पे मैंने तीन लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, सबसे पहला वाला जो लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है सेगमेंट ए बी, तो सेगमेंट ए बी जो रहेगा आपका वो हो सकता है खुद ही से सिमिलर हो जाए, क्योंकि अगर मैं सेम ए बी जैसा दिखने वाला एक और लाइन अगर ड्रॉ करता हूं, उसका नाम भी अगर ए बी दिखता हूं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन में उसका ही रिफ्लेक्शन दिखेगा। अगर मैं इंसान हूं, मेरा रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा, मैं ही खुद दिखूंगा, तो वहां पे सेगमेंट ए बी जो है उसका जो रिफ्लेक्शन दिखेगा वो भी क्या दिखेगा, सेगमेंट ए बी दिखेगा, एंड वो दोनों सेगमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, कि सेगमेंट ऑफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्यों कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टीज वही है, और इसके पहले हमने देखा था अगर कोई भी लेंथ सेम होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। तो सेगमेंट ऑफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ऑफ ए बी, सेम रहेगा, इसको ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट का। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग यहाँ पे जिसका नाम है दोस्तों सिमेट्रिविटी, ठीक है दोस्तों, सेकेंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है सिमेट्रिविटी। अब सिमेट्रिविटी का मतलब क्या होता है, सिमेट्री होना, सिमेट्री मतलब होना क्या, मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज दूसरे चीज से सिमिलर होना। अब जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हो, पहला जो सेगमेंट है जिसका नाम है यहां पे मैं ले रहा हूं सेगमेंट ऑफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर सेगमेंट ऑफ ए बी जो है मेरा कॉन्ग्रुएंट रहेगा सेगमेंट सी डी से, ए बी कॉन्ग्रुएंट है किससे, सी डी से, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला सेकंड से क्या है, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ऐसा है, इफ यहां पे मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देन जो आपका सेगमेंट सी डी रहेगा वो भी सेम रहेगा ए बी से, मतलब अगर मैं किसी एक दूसरे इंसान से सेम हूं तो दूसरा वाला इंसान भी मेरे से सेम है, तो यहां पर भी सेम यही हो गया कि सेगमेंट ए बी अगर कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट सी डी से, तो सेगमेंट सी डी जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा सेगमेंट ए बी से, करेक्ट है दोस्तों। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर पहला वाला दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा वाला भी पहले से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, जैसे कि इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, देन सेगमेंट सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, एंड यही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिविटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हमारे आखिरी जो की प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट का, जिसका नाम है तीसरा प्रॉपर्टी, इसका नाम है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होता है हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। ट्रांजिटिविटी, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इफ यहां पे मैं लेता हूं, इफ सेगमेंट ए बी, इफ जो मेरा सेगमेंट है ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, अगर मेरा ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट सी डी से, एंड सेगमेंट जो सी डी है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट ई एफ से, यहां पर लिखता हूं मैं, एंड सेगमेंट सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई एफ, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर पहला वाला दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा वाला तीसरे से कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है, पहला वाला तीसरे से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो लिख सकते हैं यस, देन सेगमेंट ए बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट लास्ट वाला आपका ई एफ।
ठीक है। तो पहला वाला दूसरे से कॉन्ग्रुएंट था, दूसरा वाला तीसरे से, तो इसका मतलब क्या है कि पहला वाला तीसरे से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। तो इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, सेगमेंट सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई एफ, देन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई एफ। और यही है हमारा स्टेटमेंट, आखिरी स्टेटमेंट फॉर द प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ट्रांजिटिविटी। और यही था हमारा आज का सेशन दोस्तों, आज हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे, जिसमें हमने पहला लाइन सेगमेंट देखा, सेकंड रे ए बी देखा, थर्ड लाइन ए बी देखा, चौथा कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट देखा, एंड पांचवा जो पॉइंट देखा वो देखा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, जिसमें तीन प्रॉपर्टी देखे, कौन से, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, आगे और चार प्रॉपर्टीज बचे जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। एंड जैसे ही वो खत्म होगा तो हम लोग जो प्रैक्टिस सेट है 1.1 उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग के एफर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, बहुत मेहनत से बना रहे हम लोग, शेयर करो हमारे एफर्ट्स का, यहाँ पे कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो ही हम लोग को कुछ बेनिफिट मिलेगा उससे दोस्तों, तो प्लीज शेयर कीजिए। एंड अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, हमारे कंटेंट्स, हमारे एजुकेशनल लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।